बैक टू आवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज है हमारा गुजरात में दूसरा दिन और आज हम जाने वाले थे गिर नेशनल पार्क, लेकिन यहाँ आके पता चला कि गिर नेशनल पार्क 15 जून से लेके अक्टूबर 15 तक बंद रहता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना वो जानवरों का, मतलब शेर लोग जो भी है वहाँ पे, उनके मेटिंग का टाइम होता है, मतलब प्रजनन का टाइम होता है, इसलिए हम इस टाइम में नहीं जा सकते अक्टूबर 15 से पहले। तो हमने सोचा कि आज का दिन, हम कल मुंबई के लिए निकल जाएं, तो आज का दिन को कैसे यूटिलाइज करें, तो हम आज हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है इस जगह की, उस जगह पे आए हैं, उसके बारे में डिटेल्स आपको शर्मा जी बताएंगे। मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अगर आपने श्री कृष्ण जी की कहानी आपको पता होगी तो आपने आप जानते होंगे कि श्री कृष्ण जी को लास्ट में तीर लगा था। श्री कृष्ण जी एक पीपल के नीचे आराम कर रहे थे और उनको तीर लगा था पैर में, तो यही वो जगह है जहाँ पे उनको तीर लगा था। यहाँ पे मंदिर के जस्ट पीछे आप इधर एक पेड़ देख रहे होंगे, वो पीपल का पेड़ है और वो 5000 साल पुराना पेड़ है, और हम जा रहे हैं उस पेड़ को देखने के लिए और आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कहाँ पे श्री कृष्ण जी को तीर लगा था, बहुत ही धार्मिक स्थान है, तो चलते हैं आपको लेकर। जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे और उनको पैर में तीर लगी थी, इसके नीचे पूरा मंदिर बना दिया गया है। ये पौधा मंदिर से ऊपर इस साइड से ऐसे जाता है जो बाहर निकला हुआ है मंदिर से, और इन्होंने श्री कृष्ण जी को तीर मारा था, उनकी भी ये मूर्ति बनाई गई है और ये श्री कृष्ण जी की ऐसी मूर्ति रखी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं ना जो हमारी सांस्कृति की धरोहर है, हमारे धर्म की धरोहर है। इसके बारे में जितना जानना चाहो उतना कम है। हम ऐसा नहीं कहते कि हमें सब ज्ञान है या हम सब कुछ जानते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना हम जान सके, और हम जितना जानते उतना हम आपको जानकारी देते हैं। और ये आज के ब्लॉग में अकेली ऐसी जगह नहीं है, ऐसी 4-5 जगह और भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ ब्लॉग में लास्ट तक आप बने रहिए। अच्छे से और आपको भी दिखा लिया, अब हम चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। अब वो कौन सी लोकेशन है आपको बताते हैं। आइए रानी साहिबा, ये रहा नहीं जाता। तो आ चुके अपनी सेकंड लोकेशन पे जिसका नाम है बाढ़ गंगेश्वर, और यहाँ पे खास बात क्या है, समुद्र से 3 शिवलिंग निकले थे अपने आप। ये शिवलिंग आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, 1-2 और एक शिवलिंग उधर है, तो वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, अभी आगे वाला चलते हैं, फिर वो देखते। तो हम लोग बढ़ रहे हैं अपने तीसरे शिवलिंग की तरफ, जो दोनों शिवलिंग से थोड़ा सा दूर है। ये आप देख रहे होंगे छोटा सा शिवलिंग दिख रहा है पानी के अंदर, और ये है तीसरा शिवलिंग जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वहाँ पे। अभी आए हुए हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पे तीनों नदियाँ एक साथ मिलती है, हिरण, कपिला और सरस्वती नदी, यहाँ पे उनका संगम होता है, और आपको उस साइड में समुंदर दिखेगा, तीनों जाके उस समुंदर में मिलती है। और बहुत अच्छा घाट बना हुआ है यहाँ पे, फिलहाल पानी कम है नदियों में, तो इसलिए घाट थोड़े सूखे हुए से लग रहे हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपके पाप खत्म हो जाएंगे, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग पापी हैं तो यहाँ पे आके स्नान जरूर करें। मैं तो स्नान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पापी नहीं हूँ। आप करोगी? नहीं। ये भी पापी नहीं है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, वो क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो ऑटो वालों को ही पता है जिसको हमें बुक करके लाए हैं। आप लोग जब सोमनाथ मंदिर आओ ना, तो ये सब एक्सप्लोर करने के लिए एक ऑटो बुक कर लेना, वो शायद आपको सब कुछ घुमाने का एक दिन का 400 रुपए लेगा, चाहे तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना, तो उससे भी कम में हो जाएगा। लेकिन हमसे माना नहीं यार, हम बार्गेनिंग कर नहीं पाए, हमसे तो 400 रुपए लिए। हमने पहले मान लिया था ना, स्पेशली मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, पहले बोल दिया, तुम बार्गेनिंग में पहले खराब हो, तो उसको लगा कि हम दे देंगे, तो इसलिए हमसे बार्गेनिंग नहीं हुआ, लेकिन आप बार्गेनिंग करना।
अभी हम लोग जिस जगह पे आए हैं, इस जगह पे श्री कृष्ण जी की समाधि है और यहाँ बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, आप आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पे जरूर जाइएगा। बहुत पुराना शिवलिंग है और वो मंदिर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ जाते नहीं हैं, तो आप जब भी आइए उस तरफ जरूर देखिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं पांडव गुफा की तरफ, तो वो कैसी लगती है, कैसी है वो गुफा, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे संग चलते रहिए। शायद मैं खुद अभी नोटिस कर रहा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो ये है प्राचीन काल के सूर्य मंदिर, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस साइड है पांडव गुफा, वो जाके देखते हैं कि किस टाइप का है। मेरे जो आप पीछे देख रहे हैं ये पांडवों की गुफा है, तो जब भी आप यहाँ पे आइए ये जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है इसलिए हमने वीडियो शूट नहीं किया है, बट मैं देख कर आया हूँ, अंदर पूजा नहीं गई थी, तो ये बहुत ही खास जगह है। यहाँ आप जब भी आइए ये मस्ट वॉच है, आपको ये देखना ही देखना है। और पूजा जी लग गई हैं खरीदारी में, क्या ले रही हो? इतनी प्यारी सिंदूर की डिब्बी है, देखो इसमें सिंदूर रखते हैं, इसकी प्राइस है सिर्फ 10 रुपए, वही मैं ले रही हूँ। तो वैसे तो मम्मी कहती है कहीं जाओ तो कुछ ले लो बेटा, वो तो मैं लिया ही है और भी लेती हूँ। मैंने ये 5 सिंदूर की डिब्बी ली है, 5। तो मैं आया हूँ आज के ब्लॉग की लास्ट लोकेशन पे, और जो है श्री राम मंदिर। और ये मंदिर अंदर से कैसा दिखता है आपको दिखाता हूँ, बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और मैं अकेले आया हूँ, पूजा नहीं आई क्योंकि वो थक गई है तो ऑटो में बैठी हुई है। अंदर से कैसा दिखता है मंदिर चलिए देखते हैं। फिर से आ गए हैं सोमनाथ मंदिर के सामने, क्योंकि पास में हमारा होटल है, तो हमने सोचा शाम का नजारा देख लेते हैं कि शाम में जब लाइट जलती है तो मंदिर कैसा लगता है, और आपको दिखाते हैं कि शाम में मंदिर कैसा दिखता है। तो आपने देख ही लिया कि शाम में सोमनाथ मंदिर कैसा लगता है, तो अभी हम जाते हैं, पास में बीच है वहाँ पे थोड़ा सा बैठते हैं, गोलगप्पे हो तो खाएंगे थोड़ा सा बीच के साइड में बैठ के, फिर रात में अपने रूम पे चले जाएंगे और कल हमें मुंबई के लिए निकलना है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। राहुल ये उधर गायब हो गया है, ब्लॉग का एंड करना है ना, ओम शंभू बाय एवरीवन।